चंदन सतगुरु होते रहे। पूजा गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरप्रीत जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई दीपन जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी, त्योहारों के ये दिन बहुत ही खुशी के दिन, सतगुरु प्यारे हमारे दिलों जिगर में इंसानियत का दीप जगाने आए, राम नाम की ज्योति को प्रज्वलित करने आए, तो सतगुरु जी के चरणों में यही अरदास कि हमारी यह दिवाली हर रोज हर पल आप जी के संग यूं ही खुशियों से मनती रहे। इसी अरदास के साथ दीपावली के इस पावन पर्व की सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी को एक नारे के रूप में बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मुक गईया ने जुदाइया, मैनू देओ नी वधाइया। मुक गईया ने जुदाइया, मैनू देओ नी वधाइया। मुकियां जुदाइयां, मैनू देओ नी वधाइयां। घर शाम आ गया, सयो नी मेरा, सयो नी मेरा, सयो नी मेरा राम आ गया। सयो नी मेरा राम आ गया, सयो नी मेरा राम आ गया, सयो नी मेरा राम आ गया। बिलणी वांगू वरिया दी मैं करदी सी अरदासा, दर्शन दे के प्रीतम प्यारे करियां पूरियां आसां, करियां पूरियां आसां, करियां पूरियां आसां। सारे गम सारे दुख गए शीशे वांगू टुट, सारे गम सारे दुख गए कच्च वांगू टुट, विश्राम आ गया। सयोनी मेरा, सयोनी मेरा, सयोनी मेरा राम आ गया, सयोनी मेरा राम आ गया। सखीरी मेरा राम आ गया, सयोनी मेरा राम आ गया। रहे जनवरी सदा असाडी चढ़िया, रहे नवंबर देवन हार्द तालू सतगुर, बख्शी जान समंदर, बख्शी जान समंदर, बख्शी जान समंदर, बख्शी जान समंदर। एक जट दूजा रब सानू देवे सद सद, एक जट दूजा रब सानू देवे सद सद, मेहरबान आ गया। सयोनी मेरा, सखीरी मेरा, सयोनी मेरा राम आ गया, सयोनी मेरा राम आ गया, सयोनी मेरा राम आ गया, सयोनी मेरा राम आ गया।
नच्चा गावा खुशी मनावा क्यों दे दीप जगावा चरण मुबारक पैण तुहाडे कदमां विच विछ जावा कदमां विच विछ जावा कदमां विच विछ जावा सारे जग चो हसी मेरे राम ते रहीम सारे जग चो हसीन मेरे राम ते रहीम भगवान आ गया सयोनी मेरा सखीरी मेरा सयोनी मेरा राम आ गया 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 वांग गुलाब दे खिड़खिड़ जावा गिट गिट चढ़ गई लाली सज्जन जिंदा हाजिर होवे हर पल रहे हरियाली हर पल रहे हरियाली हर पल रहे हरियाली मेरी सखी सुल्तान जेड़े सब तो महान मेरी सखी सुल्तान जेड़े सब तो महान शास्त नाम आ गया सयोनी मेरा सयोनी मेरा सयोनी मेरा राम आ गया 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 नी मेरा शासक नाम आ गया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा भाई दीपन जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी परवाना होता है मस्ताना होता है हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है प्रेमी परवाना होता है मस्ताना होता है हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है प्रेम प्रभु का पाता है मस्ताना वो होता है रजा में राजी रह कर ओढ़ निभाना होता है दुनिया कहे प्रेमी से सत्संग में क्यों जाए क्या कमाई करेगा जाके भूखा मर जाए बता नहीं सकता उसको क्या मिल जाना होता है हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है मालिक कहे प्रेमी से जो उस पे चलता जाए सत वचन कहता ही नहीं उसको निभाता जाए रजा में राजी रह के सिर कटवाना होता है
हर पल जुबां पे गुरु कही तराना होता है। धूप जैसे सूरज से एक पल जुदा ना होए, इसी तरह सतगुर से प्रेमी दूर ना होए। ख्याल गैर का लाना रू तड़पाना होता है, हर पल जुबा पे गुरु का ही तराना होता है। दास कहे सतगुर बिन कैसे रहा जाए, दिले जिगर जख्मी हो चैन कैसे आए। सहन गुरु के मीत को सब कर जाना होता है, हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है। प्रेमी परवाना होता है, मस्ताना होता है, हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है। तराना होता है गुरु का, तराना होता है। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, बहुत ही प्रेम से आप यहाँ भी सजे हुए हैं और पूरी दुनिया में, पूरे देश में ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से आप सत्संग से जुड़े हुए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो सभी से निवेदन है प्रेम पूर्वक इसी प्रकार जुड़े रहें, और जो पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG के द्वारा भी आप सत्संग सुन रहे हैं तो आप इसके लिंक को आगे के आगे शेयर करते रहें, लाइक करें। और सभी ने इसी प्रकार सजे रहना है, आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजन बाजे प्यारे सत्संग जीओ, जितने भी लोग आज यूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग नजर आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में सामने स्क्रीनों पे, मतलब कहीं तो इतने बड़े पंडाल भरे पड़े हैं। अभी जो फर्स्ट दिखाया था, थोड़ा जल्दी करते हैं हमारे वाले, अभी हम उसी की चर्चा कर रहे थे कि अभी उन्होंने पूरा दिखाया भी नहीं था। थोड़ा सा IT विंग वालों, थोड़ा धैर्य भी रख लिया करो थोड़ा सा अभी। हाँ जी, तो ये हम देख रहे थे कि आपका शायद, हमें यहाँ तक लग रहा है ये हरियाणा का ही सरसा में ही हो रहा है, तो बहुत सत्संगत वहाँ आई हुई है आज। पंडाल जो कि लगभग 30 से 40 एकड़ का है वो भरा हुआ लग रहा है, कहीं कहीं खाली होगा, शेड बहुत बड़ा है वो भरा हुआ है। और हाथों में आपके सबके गुब्बारे, वो तो सभी के नजर आ रहे हैं। ऐसी और जगहों पे भी सत्संगत बहुत बड़ी तादाद में बैठी है, उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां हो आप सबको, भगवान खुशियों से नवाजे। और भी कई जगहों पे सत्संगत बहुत बड़ी तादाद में जो बैठी है उन सबको बहुत आशीर्वाद। ये आपको दिखा रहे हैं हमें वन बाई वन, विदेशों में भी सत्संगत बैठी है जी, और यहाँ भी बैठी है। तो पहले आपकी हाजिरी ही लगाते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे ताकि आपको खुशी भी आ जाए। भारत में वैसे देखें YouTube से तो पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादा लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे अभी बोला था शास्त्र नाम श्या मस्तान जी धाम सिरसा, शास्त्र नाम जी रामे खुशबू आश्रम कैथल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बेंगलोर इत्यादि, वे विदेश में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, कुवैत, UAE, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, सऊदी अरब, जाम्बिया, देशों में लाखों की तादाद में सत्संग यूट्यूब और जूम से
जूम से जुड़ी हुई है, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। और आप सबको हम ये कहना चाहेंगे, आज का दिन राम जी का दिन है, ना कि रावण जी का, ये ध्यान रखिए। उनको भी हम तो जी से पुकार लिया, क्योंकि अगर जी से नहीं पुकारेंगे तो फकीर संत के लिए एक वैसे भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि अगर कोई बुराई से जुड़ा है, आज का कोई भी बुरा ना मानना, उनको फॉलो कर रहा है, सीधी सी बात है, ज्यादातर उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। राम जी को फॉलो करने वाला तो कोई कोई है। मोस्टली आज दुनिया में लोग रावण के ज्यादा वंशज लग रहे हैं, जबकि हैं हम उस राम के वंशज, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब के वंशज। क्योंकि आज के दिन हमने अपनी आंखों से देखा है, लोग नशा करते हैं, पार्टियां देते हैं जिसमें तरह तरह के नशे चलते हैं, जुआ खेला जाता है, इसे कहते हैं एंजॉयमेंट। बड़ा दर्द होता है। ये दिन मनाया गया था कि आज श्री राम जी बुराई पे जीत हासिल करके, बुराइयों का खात्मा करके अयोध्या नगरी में पधारे थे और लोगों ने घर घर दिए जलाए थे। तो आप सबसे हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को आज के दिन जरूर छोड़ें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 एकांत में बैठ जाइए, 5-7 मिनट अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए जो गुजर चुकी है, तो यकीन मानो आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ, मेरे में ये गलत आदत है, मेरे में ये सही आदत है, मेरे में ये अवगुण है। गुण तो आप देखती रहती हो और गाते भी रहती हो खुद के, लेकिन अवगुण जो छुपे हुए हैं आपके अंदर, किसी किसी को पता होगा, या तो आपके माँ बाप या परिवारजन या यार दोस्त, पर पूर्णतः तो आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी बैड हैबिट्स हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं। तो आज जरूर आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपनी एक या 2-3 बुरी आदतों को छोड़ने का प्रण करें, तो ये होगी आपके लिए सच्ची दिवाली। क्योंकि बुरी आदतें तो सारे ही करते हैं, तो भगवान खुशियां दे। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं सब लोग, तो आप ये करेंगे इसका मतलब, तो नारा लगाएं और जरूर करना आशीर्वाद। तो ये है हमारे त्योहार का असली रूप। क्या करते हैं हम लोग, अपने घरों को रंग रोगन करते हैं, घरों की सफाई करते हैं। ये साइंटिफिक सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन आप सफाई करेंगे, रंग रोगन करेंगे। सफाई करने से बहुत से बैक्टीरिया वायरस, रंग रोगन क्योंकि केमिकल है, पहले चूना किया करते थे, और चूना बहुत अपने आप में महत्व रखता है कि बहुत से बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देता है। तो जो भी कलर आप करते हैं या सफाई करते हैं, तो आपकी सेहत के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो ये दिवाली के दिन श्री राम जी ने इनडायरेक्टली हम लोगों को दे दिया। उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन अपने आप ही लोगों ने मनाना शुरू किया, उनका स्वागत किया। तो इसी तरह जैसे आप अपने बाहर के घरों को साफ रखते हैं, अपने इस भगवान रूपी घर को, जो हम नहीं बना सकते, जिसे उस मालिक ने बनाया है, इसके अंदर से भी हमें आज कचरा साफ करने का जरूर सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए। और आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके अंदर ऐसी प्रकाश की ऐसी एक रोशनी, प्रकाश की किरण भेजे, जिससे आपको खुशियां मिलें और आपके गम, चिंता, टेंशन खत्म हो जाए। दीप आवली, दीपों की कतार, कितना सुंदर लगता है। अगर इसके गुण गाएं हम इस त्योहार के, सही रूप में गजब है, एक यज्ञ है। जब घी के दिए या तेल के दिए जलाते हैं, उससे भी वातावरण शुद्ध होता था। आजकल तो लड़ियां ज्यादा आ गई हैं, लेकिन असलियत में जब वो घी की स्मेल, खुशबू फैलती थी, तो उससे अपने आप वातावरण में अच्छे विचार आने शुरू होते थे और नेगेटिविटी दूर होती थी।
दूसरी बात, इनसे वही चीज जो आपको पहले बोली, बहुत से बैक्टीरिया वायरस जलते थे, खत्म होते थे, और इनकी खुशबू से भी बहुत से वायरस खत्म होते थे। आज साइंटिफिक प्रूफ है ये, क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, बड़ा इंटरेस्ट था इन चीजों में कि हमारे धर्मों में कोई फजूल चीज तो हो नहीं सकती। तो ऐसे हमने रिसर्च किया विज्ञान के अनुसार। तो इस दीपावली का त्योहार ही ले लीजिए, इसमें कितना कुछ हमारे लिए दिया है। यज्ञ हो जाता है जब हम घी के दिए जलाते हैं और देवी देव प्रसन्न हो जाते हैं। ओम जो सबको बनाने वाला है, एक ओंकार कह लो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला एक है, ये कह लो द सुप्रीम पावर गॉड, कोई भी नाम ले लो वो है एक ही, तो वो तो खुश होगा ही होगा। और इस दिन आपने देखा होगा हम मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं कि दिवाली देने आए हैं जी। असलियत में दिवाली के दिन अगर आप किसी रोड पे बैठे, बस स्टेशन पे बैठे, रेलवे स्टेशन पे बैठे, कहीं घूमते, किसी अपंग अंगहीन बेसहारा का सहारा बनके उसे महीने भर का राशन दे दें, तो हमें लगता है इससे अच्छी दीपावली और नहीं होगी। इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हम भी थोड़ा सा चेंज करके तो आए, ज्यादा तो नहीं, इतना सा कर लेते होते हैं सत्संग में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल होता है, थोड़ा सा डिजाइन है इसमें। तो कहने का मतलब हम हर कोई जोर लगाता है कि इस दिन अच्छे कपड़े पहने। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर्दी आने वाली है, बहुत से हमारे इलाकों में गरीब बच्चे होते हैं उस परमपिता परमात्मा के, राम के, जो सर्दी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और कईयों की तो मौत तक हो जाती है। तो आज हम चाहते हैं आपसे, आप करोड़ों में हैं, कि हमारे बच्चे जाएं ऐसे गरीबों को कपड़े पहना के आए, तो मजा आ जाए, खुशी का और चार चांद लग जाएंगे, भगवान बहुत खुशियां दे। बच्चे तो तैयार बैठे हैं, सो नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। और ये आज से आपके लिए नया पर्न हो गया, जो भी त्योहार आएगा आप ये दो काम जरूर करेंगे, कपड़े और खाना जरूर पहुंचाया करेंगे, त्योहार को इस नजरिए से मनाया करेंगे। तो ये एक अगला नया कार्य शुरू करवा लिया हमने, आपने पर्ण कर लिया, भगवान बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लीजिए। इसके साथ साथ और जोड़ देते हैं, आप खाना देने जाएंगे, आप कपड़े पहना के आने का मतलब ये है, कई बार छोटे बच्चों बेचारों का गैंग से संबंध होता है जो भीख मांगते हैं, कई बेचारे ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर आ जाते हैं, तो अगर आप उनको कंबल देते हैं तो जाके कंबल उनको देंगे और उनसे वो छीन लेंगे, बेच देंगे। अगर उनके साइज के कपड़े देके आओगे और पहना दोगे, हमें लगता नहीं कि कपड़ों को कोई उतरवाएगा। हर चीज में आज के टाइम में सोचना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, खाना खिलाएं, खाना दें उनको जो वास्तव में इस तरह के लोग हैं, जो अपंग हैं, अंगहीन हैं या बुजुर्गवार हैं। तीसरी बात, इसी के साथ, इसी कार्य से पहले भी ये हो चुका है लेकिन इसी के साथ जोड़ते हैं कि त्योहार पे भी उसको जरूर किया करो, और वो है एक तो पेड़ जरूर लगाएं, इसमें हाथ खड़ा ना करें क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं, पेड़ जरूर लगाएं त्योहार के दिन। और जो जरूरतमंद हैं, दिखते हैं गरीब हैं बेचारे और बीमार पड़े हैं, उनका इलाज भी जरूर करवाएं, वो पहले ऑलरेडी आप कर रहे हैं पर त्योहार के दिन। और हो सके तो जो गर्भवती हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको जाके स्वस्थ भोजन, और जो बच्चे पैदा तो हो जाते हैं पर कुपोषण का शिकार होते हैं, उनका इलाज और उनकी खुराक भी दे के आए इस दिन। तो ये आपका कार्य पूरा का पूरा एक महान कार्य हो जाएगा, और भगवान जी जरूर खुशियां देंगे, त्योहार हम खुशी से मनाएंगे और असली त्योहार मनाने का मजा आएगा। तो हम चाहेंगे आज हम शुरुआत करेंगे इन चीजों की, अभी तो क्योंकि अभी शुरू हुआ है, शाम को हम पक्का ये चीजें करेंगे जरूर।
आपको पता है हमें और हम अपने हाथों के जो कर्म योगी हैं ये खेती करते हैं, हम ट्रैक्टर चलाते हैं, हम हर कार्य कर लेते हैं, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर भी चला लेते हैं, सब चीज़ें राम जी की कृपा है, उनकी कृपा, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, लेकिन राम तो महान हैं, तो उनकी कृपा है, शास्त्र नाम दाता हमारे गुरु जी श्यामस्तान दाता, तो उनकी रहमो करम है, तो कर्म तो हम सारे कर लेते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमें लगता है हम खेती बाड़ी का आपको सीन एक दो दिन में जल्दी दिखाएंगे, और दिखाने के लिए नहीं, प्रेरित करेंगे हर संत को, हर फकीर को, कि मांग के मत खाओ, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो कर्म करके खाओ, कर्म जोगी बन के रहो, बुरा मत मना लेना संत समाज, हम ये चाहते हैं कि हम एक उदाहरण बने दुनिया के लिए कि हाँ संत भी करके खा सकता है, तो हर समाज का बंदा सोचेगा अगर पीर फकीर करके खाता है तो हम करके क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हमें मानने वाले करोड़ों में शिष्य हैं हमारे, सुनने वाले पता नहीं कितने लोग सुन रहे होंगे, तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि कर्म योगी जरूर बनो, लेकिन ज्ञान जरूर हासिल करो, ज्ञान के बिना कर्म योगी अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। छोटा सा उदाहरण आपको देते होते हैं, मान लीजिए आपको पता धरती में पानी है, ये तो हो गया ज्ञान, धरती के ऊपर बैठो, पालथी मार ली, हाथ जोड़ लिए, भगवान को बोलने लगे, भगवान पानी निकाल, पानी निकाल, पानी निकाल, निकल पानी, निकल पानी, तो क्या पानी निकल आएगा? नहीं। ज्ञान है कि धरती में पानी है, लेकिन कर्म क्या है? आप जाइए बोरवेल करने वालों को बुलाइए, या खुद भी करना चाहते हैं तो पाइप वगैरह लाते हैं, उसमें बोकी वगैरह पुराने टाइमों में मारते हैं, या फिर कुआं बनाया जाता है, तो वो है कर्म। पता है यहां पानी है, ये ज्ञान हो गया, निकालना कैसे है उसका है ज्ञान, लेकिन जब करोगे तो ही वो बाहर आएगा ना। घी में दूध में घी है, सरसों के तिलों के दानों में तेल है, फूलों में खुशबू है, पर निकालने का ढंग अलग अलग है। कनौज इतर की नगरी माना जाता है, वहां पे गुलाब के फूलों का इतर निकाला जाता है, सत्संग करने गए थे हम, वहां जिधर देखो गुलाब ही गुलाब। तो कहने का मतलब एक प्रोसीजर है, एक ज्ञान है, हम तो गुलाब का फूल सूंघा, अरे वाह क्या खुशबू आती, और इसका तेल एक बूंद लगा दी, उन्होंने हमें दिया थोड़ा सा कि गुरुजी देखो हमने निकाला, श्रद्धा से लेके आए, तो हमने वो लिया, उनको खुशी में कुछ दिया प्रसाद जो भी दे पाए, तो जाके हमने वहां रख लिया, और उसकी एक बूंद लगा के हम सत्संग करने चले गए। हमें अच्छे से याद है शायद केरला साइड में हम लोग सत्संग करने गए थे, महीना भर सत्संग करते रहे, वापिस आए, जैसे हमने गेट खोला तो यूं लोग गुलाब के किसी बाग में आ गए, गुलाब के फूलों में, मतलब चारों तरफ कमरे में, हालांकि एक ही बूंद लगाई थी, तो हम हैरान रह गए कि यार गजब है, कुदरत ने क्या क्या दे रखा है, बस निकालने का ढंग आना चाहिए। तो उसी तरह ये सब कुछ देने वाला आप सबके अंदर बैठा है, और निकालने का ढंग हम बताने के लिए ही फकीर हैं, वो आप सबके अंदर है, जो इतना कुछ एक गुलाब के फूल से देखिए, जरा सी बूंद लगाने से वो कई महीनों तक चलता रहा। तो कुदरत का कादिर वो राम वो ओम कैसा होगा जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता तो हमें ये बता दे अलग अलग डिजाइन कैसे होते हैं। एक ही माँ बाप के खून से बने दो सगे भाई, दो जुड़वा बच्चों के हाथों के निशान अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के रेटिना अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के कर्म अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के नसीब अलग अलग कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ब्लड ग्रुप वही है, लगभग माँ बाप का ही सींचा हुआ खून है, तो ये कैसे पॉसिबल है, कौन किसके पास टाइम है जो एक ही गर्भ में पैदा होने वाले दो बच्चों के अलग अलग डिजाइन बना रहा है, कोई तो होगा। ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ऑटोमेटिकली कैसे चल रहे हैं? एक छोटी सी कंपनी ऑटोमेटिकली नहीं चलती, उसके लिए बॉस चाहिए, उसके लिए बहुत सारे कर्मचारी चाहिए, तब जाके कंपनी कामयाब होती है, सारे मिलके काम करते हैं। तो ये सारी सृष्टि क्या ऑटोमेटिकली चल रही है? जब मर्जी बरसात आ गई, जब मर्जी हवा आ गई, और ये धूप आ गई, और ये सब कुछ बादल आते हैं, वो टाइमिंग है, सारा सेटिंग है। कैसे? थोड़ी सी सेटिंग अपसेट होती है तो क्या हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। ये कारनामे तो इंसान के खरीदे हुए हैं, बुरा ना मनाना। हम पेड़ पौधों को उखाड़ रहे हैं, पानी का बेहिसाब बर्बादी कर रहे हैं हम लोग। कुदरत से जब हम इतना कुछ लेते हैं तो कुदरत भी फिर कुछ ना कुछ कहर बरपाती। हाँ,
हम कुदरत को जब देने लगते हैं, पेड़ पौधे लगाएंगे, ये चीजें करेंगे, तो कुदरत भी हमें जरूर देगी, वो नेचर भी हमें जरूर देगी। तो इसलिए आप जरा सोचा करें, विचार किया करें कि हमें कर्म योगी और ज्ञान योगी बनना चाहिए। अब हमारे करोड़ों मानने वाले बच्चे हैं, हम अगर कसी फावड़ा चला रहे हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको पता है गुरुजी किस लिए चलाते हैं, हम गा रहे हैं ताकि अपनी रोटी जितना तो कम से कम कर सकें, तो हमारे बच्चे क्यों बैठे बैठे खाएंगे, वो भी कर्म योगी बनेंगे। ये छोटी बात नहीं है, उससे घर में फायदा, समाज में फायदा, देश में फायदा और पूरे वर्ल्ड में फायदा, जो एक कुटुंब है, जो एक परिवार है। आपको एक छोटे से उदाहरण से बता देते हैं हम परिवार कैसे हैं। क्यों कहा हमारे खास करके हिंदू धर्म में पाक पवित्र ग्रंथों में कि पूरा वर्ल्ड एक कुटुंब है, क्यों? जरा सोचिए। तब साइंस तो कहते ना कि साइंस ज्यादा बड़ी है, तो उन्होंने कुटुंब तब बोला। अब ये बताइए, अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो भारतीय के खून यूएसए वाले का भी लगेगा, इंग्लैंड वाले का भी लगेगा, यानी किसी देश का नागरिक ले आओ, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, एक दूसरे के खून लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर बताइए कुटुंब हो गया कि नहीं हो गया? सबके अंदर खून तो एक जैसा चल रहा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई भूरा है, कोई गोरा है, किसी के लगा दो, लगेगा अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो। कहने का मतलब, इसका मतलब उनकी इतनी बड़ी सोच थी, क्योंकि हमने तो विज्ञान के नजरिए से धर्म को पढ़ा है और हम चैलेंज करते हैं, हमारे धर्म महाविज्ञान है, विज्ञान तो बेचारी कल बनी है, क्योंकि आपको कल भी चर्चा करी थी बैक्टीरिया वायरस के बारे में, 12,000 साल पहले वेदों की बात हम करते हैं, हालांकि आदकाल से बने हैं, लेकिन पाक पवित्र वेदों में ये चर्चा है कि ऐसे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनका नाम कीटाणु होते हैं, जो रोगी कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं थोड़े बड़े, कुछ सूक्ष्म होते हैं और कुछ अति सूक्ष्म होते हैं, जो बीमारियां पैदा कर देते हैं, और आदमी के अंदर जीवाणु भी हो सकते हैं जो इन बीमारियों को खा जाते हैं, जो आजकल आप मल्टी विटामिन लेते हो, ये तब रिसर्च हो चुका है, हकीकत है ये, आप लोगों को बताएं, कहीं आप भूले फिरते हो। और हमारे साइंस ने क्यों कहते हैं हम साइंस छोटी है, हमारी साइंस ने बैक्टीरिया ढूंढा 1850 में और वायरस ढूंढा 1890 में। अब ये बता दीजिए कौन किसकी नकल कर रहा है? वेदों में, पवित्र वेदों में तो 12,000 साल पहले कम से कम, बाकी ज्यादा तो बहुत पुरातन है, वो छोड़िए आप, क्योंकि परलय के बाद अगर कोई लिखित में कहीं मिला तो इतने हजार साल पहले का मिलता है। तो उन्होंने तब बता दिया समुद्र में से सोना निकलता है, इसका मतलब तब या तो पनडुब्बी होगी या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके डुबकी मारते होंगे, उन्होंने सोना निकाला कैसे? आजकल तो आप देखते हैं वैक्यूम करके पानी निकालते हैं, उसमें से सोना निकल के बाहर चला जाता है, मशीनें हैं। तो उनको कैसे पता चला कि समुद्र की तहलट्टी में सोना भी मिल सकता है? ये भी पवित्र वेदों में लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा, एक आधी फसल को छोड़ के ये जो बिजली चमकती है, ये पेड़ पौधों को बड़ी शक्ति देती है। आज प्रूव कर दिया कि हाँ जी, नाइट्रोजन या नाइट्रस कोई गैस है या जो भी चीज है, वो मिलती है इन पौधों को, साइंस ने, क्योंकि विज्ञान ने ये प्रूव किया, तब तो हम मानते कि हाँ ठीक है। पर जब धर्मों में इतने साल पहले ये चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब हमारे धर्म महाविज्ञान है, पढ़ने का नजरिया सही होना चाहिए, हमने उसे विज्ञान के नजरिए से पढ़ा है, साइंस के नजरिए से पढ़ा है, क्योंकि खुद की साइंस में बेइंतहा रुचि है हमारी, लेकिन उससे भी ज्यादा अब हमारी रुचि ओम हरि अल्लाह राम के उन संत पीर पैगंबरों में भी है, जिन्होंने इतनी बड़ी बातें सहज मते में ही कह डाली, यूं ही लिख डाली और अपनी सारी जिंदगी पूरे समाज के लिए लगा डाली, ना उनके औलाद ना उनके परिवार, जाके वो बैठे जंगलों में और रिसर्च करते रहे और पूरे समाज को ऐसा तोहफा दे गए जो आज हजारों साल बाद भी ज्यों का त्यों सच्चा है। सो ये सौर ऊर्जा, अब रामायण में एक जगह मिला हमें कि रावण की जो लंका थी वो गोल्ड की थी और वो जगमगाती थी। अब आपके लिए तो आम बात होगी, अब हम तो क्योंकि साइंस के नजरिए से पढ़ रहे थे, हम उसकी खोज में पड़ गए, ऐसे कैसे? अब आगे हमें मिला कि सूर्य जाके उसको
रोशनी से नहलाता था, तो सीधी सी बात, उनको सौर ऊर्जा का ज्ञान ही नहीं था, बल्कि वो बिजली बना रहे थे जो रात को लंका को जगमगाती थी। क्या समझते हैं आप? लोग कह देते रामायण झूठी है, महाभारत झूठी है, कहानियां हैं, ये पवित्र ग्रंथों से हमने निकाली हुई चीजें हैं, जो अपने नजरिए से औरों ने भी निकाली होगी। हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमें राम जी ने ख्याल दे दिया, गुरु जी ने ख्याल दे दिया, तो हमने ये चीजें निकाली। तो पूरी सौर ऊर्जा से लंका जगमगाती ही नहीं थी, बल्कि ये लिखा है कि चांद की रोशनी से भी वो काम ले लिया करते थे। गजब। और फिर आगे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है हवा आके उनका झाड़ू लगाती थी। आपको लगता होगा हवा कोई देवी होगी, उतराती होगी, लेकिन नहीं, हम तो विज्ञान के नजरिए से पढ़ा कि उसने अपना जो डिजाइन बनाया था इस एंगल से बनाया था कि आठ दिशाओं से जब भी हवा आएगी हर गली में से होके गुजरेगी, और आगे उसने खड्डे बनाए हुए थे कि पत्ते वगैरह सब कुछ उसमें जाता था, पानी उसमें जाता था, आगे उसने पाइपलाइन बिछाई हुई थी, वो जाके यहां जाता था तो गढ़ सड़के खाद बन जाती थी, इसलिए वहां बाग बगीचे बहुत थे जो हनुमान जी ने उखाड़ दिए थे। शायद आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। तो हमने विज्ञान के नजरिए से पढ़ा है, ना कि एक सिर्फ गाने का काम किया। हमने प्रूव किया है कि यह सच था, तो है ना कमाल। और वो जब चाहता था बरसात करवा लेता था, अब तो चाइना ने करवा दी, अब तो मान लो हमारे लोग भी करवाने लगे होंगे, हमें पता नहीं, लेकिन चाइना का सुनने में आया था कि उसने बरसात करवा दी, बादलों को भगा भी दिया और ले भी आया। तो चाइना ला सकता है तो रावण क्यों नहीं भाई, बताइए ना, है कोई जवाब? बेचारी साइंस अब कर रही है, और उसने कब का कर रखा है यार, कमाल करते हो आप, कभी तो हां करो किसी बात पे। सच है ये बात, आप ऐसे नहीं, नहीं आप लोगों की बात नहीं है, जो सज्जन सुन रहे हैं कुछ ऐसे भी होंगे नास्तिक कहते हैं, जो कहते हैं धर्म में कुछ नहीं है, कहते गुरु जी ये चांद जो है आप तो देवता कहते हो, हमने कहा हां जी, कहते ये तो पत्थर का है, हमने कहा बिल्कुल, तो आप इसको देवता कहते हो, हमने कहा ना जी, कौन है, हमने कहा उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है इस पत्थर को चलाने के लिए, वो है हमारा चंद्रदेव, सूरज को चलाने वाला है वो है सूर्यदेव, कैसे अपने आप अटके हुए हैं ये हवा में, ये फलाना अट्रैक्शन है जी, ये फलाना है जी, जो मर्जी बनाते रहो, आपने तो आदमी को भी बंदर बना डाला पहले, क्या बता सकते हो पहले मुर्गी आई कि अंडा, बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा था पहले तो, आजकल पता नहीं हल हो गया हो तो, अगर अंडा आया पहले तो मुर्गी कैसे आई, मतलब मुर्गी के बिना अंडा आया किधर से, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना मुर्गी पैदा हुई किधर से, तो गड़बड़ हुई पड़ी है ना। कई कहते नहीं, एक बार एक साइंटिस्ट आ गए, कहते नहीं गुरुजी मानो ना मानो बंदर से बिगड़ बिगड़ के ही आदमी बना, फिर थोड़ी देर बाद कहता नहीं, कुछ देर बाद फिर आए, कहते नहीं कोई कपी है, अब एक तीसरा पकड़ा हुआ है, बुरा ना मानना साइंटिस्ट हो, कोई भी वैज्ञानिक सज्जन सुन रहा हो, हम तो सीधे से हैं बिल्कुल सिंपल, कुछ ज्यादा बहुत पढ़ाई भी नहीं करी दुनियावी, लेकिन रुचि आपको बता दी। सो कहने का मतलब कि आप एक छोटा सा वो कपी जो है या जो बंदर है उसका एक बच्चा ले आइए, अपनी तमाम जायदाद उसके नाम करवा दीजिए, और आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, कभी तो वो आदमी बनेगा, आपके अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए। कहते ना ना, तब टेम्परेचर ऐसा था, वो बदलता गया टेम्परेचर, तो आज आप इसके लायक हैं, एक हॉल में बिल्कुल वैसा टेम्परेचर, 5-7 हॉल में, 5-7 कमरों में वैसा टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं आप, तो वैसा क्रिएट करके हमें एक बंदर का बच्चा आदमी बनाता दिखा दो, तो हम मान लेंगे वाकई ही हमारे पूर्वज बंदर हैं। चैलेंज है हमारा खुला, एक बंदर को उसकी पूंछ जड़ती, फिर वो दो पैरों पर खड़ा होता, जो आप फोटो में दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे बदलता गया, कहते जी बड़ा टाइम लगा, आप क्रिएट कर सकते हैं, टाइम में मौसम ही चेंज हुआ होगा, बदलाव आने के लिए मौसम काफी हद तक जिम्मेवार है हमारे हिसाब से, बाकी साइंटिस्ट तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, वो उनको पता है क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया होगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम बता सकते हैं, हमारे धर्म में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो मुर्गी अंडे वाली बात है, ये तो बहुत पहले से समझाई हुई कि भगवान ने बुत बनाए, शरीरों को खुद बनाया, और 5 तत्व से ही बने हुए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब बनाए गए, और फिर
कैसे उन्होंने इसमें आत्मा रूह को भरा तो बुत बन गए, शरीर बन गए। अब आगे प्रक्रिया शुरू हो गई और बाकी आगे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। ये धर्मों का सिंपल सा साधा, हमारे इंसानों के बारे में भी साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुई है। अब हिंदू धर्म में कहे तो सभ्य मनु और शतरूपा, इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा, और उसमें शायद ईव और एडम, ईव और एडम बोलते हैं। तो ऐसे ही हर धर्म में ये चीज लिखी हुई मिलती है कि उत्पत्ति ऐसे हुई। अगर ऐसे नहीं हुई तो बंदर से तो नहीं हम मान सकते, सवाल पैदा ही नहीं होता ना। आपके कपि से माने, पशु से आदमी बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं। और रावण की चर्चा हो रही थी, हम ये नहीं कहते कि वो गुणी कम था, वो तो राम जी ने कहा था बहुत गुण है, लेकिन जब उसने बुराई कर दी तो बुराई का प्रतीक बन गया। लेकिन उस गुण की बात करें तो वो तो सफल क्लोन ज्ञाता था, और क्लोन भी गजब कि वो सेल से बनाता था। उसके खुद के 5 बच्चे थे, बाकी जो 1 लाख थे वो सारे के सारे क्लोन टाइप थे, सारे के सारे उसके और सरैन वैद जो था उनकी कारगुजारी थी, दोनों ने मिलके वो चीजें बनाई थी। समुंदर की तहलटी में उनको पैदा किया गया था, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है, आज भी -डिग्री में शायद प्रखंडली में बच्चे पैदा जो होते हैं वो काफी -डिग्री में होते हैं। हमें लगता है डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं वो जानते हैं इन चीजों को, जो सुन रहे हैं शायद उनको तो पता ही है, वो तो ये करते ही है। तो वहां जो हमने पढ़ा रहा, ये पवित्र रामायण से निकली चीजें हैं जो आपको सुना रहे हैं, तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ था। तो भाई हम फिर वहीं पे आ जाते हैं लास्ट में आपको समझाने के लिए कि जो एक मनुष्य को इतना दिमाग दे सकता है, जो एक इंसान को इतना ख्याल दे सकता है, वो उसको अहंकार आया तो अहंकार में मारा गया। तो आपके पास तो थोड़ी थोड़े ज्ञान होता है, थोड़ी थोड़ी पदवियां होती हैं, आप किस बात का अहंकार करते हैं। उसके बाद इतना कुछ एटम परमाणु उसके साधे हुए थे, कंधे पे टंगे रहते थे, जिसके पास इतना कुछ था वो उसका हशर क्या हुआ। आज उसके पुतले जलाए जाते अहंकार, मेनली ईगो, कि मेरे जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, इसलिए उसने कुछ गलत कर्म करने शुरू किए। और सबसे बड़ा गलत कर्म सीता माता को उठाना रहा, जिसकी वजह से उसका विनाश हो गया। तो आपके अंदर चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, आप कितने भी महान क्यों ना हो, आपसे गुजारिश अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि ये आता है तो बेड़ा गर्क कर देता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा अपने बारे में, जितनी दीनता नम्रता रख पाओ जरूर रखो। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर से दीपावली की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयां। आपके घरों में एक नई खुशी आए, वो राम जी एक नया प्रकाश भेजे, जिसकी आपके घरों में कमी है, जो आज जिन्होंने आज पर्ण कर लिया कि बुराइयां छोड़ेंगे, मालिक कृपा करे कि वो कमियां भगवान अपने प्रकाश से दूर कर दें। आप दिए जगमगाएं समाज के लिए, हो सके तो घी और थोड़ा सा तेल के दिए भी कुछ जरूर जला लेना, प्रदूषण मत ज्यादा फैलाना, पॉसिबल हो तो। हम कह रहे थे कल कि रोज ही प्रदूषण इतना फैल रहा है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी, और नीड बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों में धुआंधार लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। तो हो सके तो, हमने कल भी चर्चा करी थी, क्या फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो धुआं बहुत सा पोल्यूशन खत्म हो सकता है। तो एक दिन को माना जाता है, यार इस दिन तो बहुत ज्यादा मतलब वो है कि भाई प्रदूषण हो जाता है, मानी बात सच है, पोल्यूशन की रेशो तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन क्या आम दिनों में जो रहती है वो क्या पटाखों से होती है देखा जाए तो। और साइंटिस्ट से गुजारिश है कि हमारा कल्चर है, हम उस दिन थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसे कोई साउंड वाले पटाखे, हालांकि ग्रीन बोलते हैं उसको, वो महंगे भी काफी हैं, तो हो सके तो क्यों ना प्रकृति से दोस्ती रखने वाले, आवाज करने वाले कोई पटाखे बना दिए जाए, अगर पॉसिबल हो तो इस पे और रिसर्च किया जाए। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, मर्जी आपकी करो ना करो, हम तो समाज के भले की सोचते हैं, पूरी प्रकृति के भले की सोचते हैं, कि अगर वैसा हो जाएगा हम लोग जो इस त्योहार को मनाने वाले हैं इंजॉय भी करते रहेंगे, और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा, और हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, अभी बस थोड़ा सा पढ़ने के बाद आज आपको पुराने भजन जो पहले हमने लिखे, अब 800 नए लिख चुके हैं, जो उनमें से कुछ एक भजन आपको सुनाएंगे, मैशअप जिसे आज के युग में बोला जाता है,
तो वो आपकी सेवा में सबके ऐसे ही सब आप सुनोगे सारे। अभी जो लिख के आया हमारे भक्त योद्धा, शुभ देवियां, कुल का क्राउन, मर्दानी भक्त बीरांगना, भक्त बीरांगना गाजी, शहीद महाशहीदों के परिवार, सिरसा, कैथल और पीलीबंगा नाम चर्चा घरों में आश्रमों में बैठे हुए हैं। हाँ वो बच्चे खड़े हो जाएं। हमारी शुभ देवियां बेटियां जो आई हुई हैं, उनके साथ जो शादियां जिनकी हुई, भक्त योद्धा एक हमने नाम दिया था कि जो अभी इन्होंने अच्छा नाम दिया, नगर वधू, बड़ा अच्छा लगा। हमारा ही नाम है पुरातन, पर बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि बोलते हुए हमें बड़ा दिक्कत होती थी जब हम कहते थे कि भी वैश्या को हमने बेटी बनाया। तो ये एक थोड़ा सा सभ्य नाम है कि वो नगर वधू जो आज हमारी शुभ देवियां बेटियां हैं, सिर्फ वो खड़ी हो जाएं एक बार प्लीज, सिर्फ वो बच्चियां जो बेटियां हमारी आई हुई हैं उनको बहुत आशीर्वाद बच्चों। अब बाकी कुल का कराऊं। हाँ आशीर्वाद बच्चों, ये हमारी बेटियां हैं और आगे उनके बच्चे भी हैं, और हमारे तो बेटियां हैं तो नेचुरली नाती हो गए। बहुत आशीर्वाद भक्त योद्धा जो आए। जी बेटा, जी बेटा, ये बिटिया हमारी, हमें लगती है वहाँ से हैं, दार्जिलिंग साइड से शायद, बड़ी मुश्किल से इसको निकाल के। हाँ बेटा, हाँ बेटा, याद है हमें, बोलते नहीं बच्चा, हम बेटी बनाया तो बेटी है और रहेगी सारी उम्र, सारी उम्र बरतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो भक्त योद्धा बच्चे आए हैं, हाँ ये शाबाश बच्चों, आज भी आपकी हाजिरी जो की, तो कौन है आज समाज में पूछ लीजिए जो ऐसे शादी करवाता है, जो आपने उन नगर वधू हमारी बेटियों से शादी करी जो आज शुभ देवियां बनी हुई, और हमें लगता है आपके घरों में शुभ हो रहा है ना उस दिन से। जी हो रहा है, बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनके परिवारजन खड़ा कर रहे हैं, और बाकी जितने भी दूसरे भी बच्चे खड़े हैं, कुल का क्राउन, वो बेटी जिसके नाम से पूरे उनके वंश का, यानी उनका गोत्र कौन सा होता है बेटी के जो बच्चा होगा, जो बेटी के बाप का गोत्र है, क्योंकि ये थोड़ा सा माना जाता है, तो उसे कुल का कराऊं। वो बेटियां भी आई हुई हैं, हमारी बेटे भी आए हुए हैं जिन्होंने वो शादी हुई है। भक्त बीरांगना गाजी जो अपंग शायद अंगहीन बच्चों से जो किस तरह से हैं, तो वो भी आई हुई हैं हमारी बेटियां। और शहीद महाशहीदों के परिवार, एक्सीडेंट में कोई सेवा करते टाइम जो गुजर गए, उनके परिवार भी आए हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद और वो दिवाली और वो सारा सामान हमने कहा था कि वहाँ भिजवा दो, अगर ना भिजवाया हुआ तो शाम तक आपके घरों में आ जाएगा बेटा, जो हम आपको हर बार दिया करते थे दिवाली, और वो हाँ रख रखा है, वो मिठाई के डब्बे, थोड़े से पटाखे भी दिया करते थे, हम तो बोलते हैं भाई आपको सच बोलेंगे, तो वो शायद हाँ रखे हुए होंगे, तो उन बच्चों को जैसे हम दिया करते थे, कपड़े भी रखे होंगे सारे पूरे परिवार के। हाँ जी रखे हैं कह रहे हैं बच्चे, तो सर समय ये रख रखे हैं, पर बाकी जगहों पे तो बेटियों ये हमारी तरफ से ही ले लेना, हम थोड़ा सा क्योंकि हाईटेक हो गए ना हम होना पड़ा, ये कह लीजिए दोनों बातें, क्योंकि पहले डायरेक्ट लाइन होता था आपको हाथ से, तो आज आपको आशीर्वाद से दे रहे हैं, हमारे सामने दिख रही हो आप बच्चे हमारे, और दूसरी बेटियां भी हमारी दिख रही हैं, कहीं सोचो दार्जिलिंग वाली की हाजिरी लगा दी हम तो रह गए, नहीं बेटियों आप भी, क्योंकि बेटियों में थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है बेटों से कि अच्छा इसकी हाजिरी और हमारी हाजिरी नहीं, ना बेटा आप भी हमारी बेटियां हो, सबके लिए वचन है, तो आशीर्वाद आशीर्वाद जितनी भी हमारे बच्चे आए, और सारी सास संगत को आशीर्वाद, तो आप लोगों ने थालियां ले रखी हैं और बड़े अच्छे लग रहे हो, तो आशीर्वाद बेटा सबको, प्रसाद लेना, सारी सास संगति लेगी, सबके लिए प्रसाद रखा हुआ है आज दीपावली का, और जितने सेवादार आए पक्की समितियों के, जो सेवा करते दिन रात सास संगत की, वो भी कोई कम प्यारे नहीं हमें, तो वैसे तो आम सास संगत के लिए हमने उम्र भर का रिश्ता बना रखा है, पर आपके लिए थोड़ा और ज्यादा हो जाता है जो समाज की सेवा कर रहे हैं वो सेवादार, तो उनको भी आज निशाने। हाँ जी नाम सारे सच कहूं वाले हैं या पक्की समितियों वाले हैं, सबके इकट्ठे ही हो गया, खड़े हो जाओ बस, आप इकट्ठे ना हो गए, बैनर की जरूरत नहीं पुत्र, फिक्र ना करो, सारे तो ज्यादातर तो सेवादार ही हो हमारे, कोई खूनदान भी तो करता है क्या वो सेवा नहीं, कोई किसी ने खाना दान किया होगा क्या वो सेवा नहीं, जब आप हमारी माने आप बताओ बैठेगा कौन, तो और कई तो ऐसे हैं जो बैठे बैठे हैं इनको समझ नहीं आ रही, ये तो सारी जिंदगी समाज की सेवा के लिए लगाए बैठे और आराम से बैठे हैं कि हमारा तो नाम नहीं लिया, कमाल है, आपने सारी जिंदगी
कि हम ना तो शादी करवाएं और ना ये, तो जिन्होंने भी ऐसा काम किया, चाहे उन्होंने गुरु मंत्र लिया हो ना लिया हो, हमारे लिए, उन सब के लिए एक विशेष जगह है दिलों में जो इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। और भगवान आपको खुशियों से लवरेज करे, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में प्रसाद दिया जाएगा, जरूर लेना। सो बैठ जाइए प्लीज, आप लोग सारे बिराजिए, अपनी जगह ग्रहण कर लो, बैठ जाओ बेटा। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटे, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये भी हो गई बात। और बूंदी का प्रसाद बांट रहे हैं, हमारे हिसाब से तुझे लड्डू बांट लेते भाई, हमने तो रोका नहीं, आपने कहा ही नहीं, जितनी मर्जी बांट लेते, सिर्फ बूंदी पे अटके हुए हो। वो तो हमने पहले संदेश भिजवा दिया था जब हम वहां थे, तो तभी आपको संदेश भिजवा दिया था कि बूंदी बांटना भंडारों पे, तो अब आप फिर से बूंदी, मर्जी आपकी कुछ भी दो वो अच्छा है, ठीक है, आप तो बूंदी लिए बैठे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। बाहर कई जगहों पे और भी दिखा हमें, तो वो भी प्रसाद बांटना, कोई नहीं, अभी बैठ जाओ, बाद में बांटना। हाँ जी, हाँ, सेवादारों के डब्बे हैं, आशीर्वाद। सेवादार तो सारे ही हो गए, फिर सबको तो हो गए ना। बेचारे इन्होंने सोचा नहीं, फिर कहेंगे पिताजी माफ करना, प्रबंध कम रह गए, उतना प्रबंध नहीं कर पाए हम, तो पूछ लेते भाई, कल पूछ लेते, तो चलो कोई बात नहीं। कह रहे हैं जी कुछ ऐसे भी सेवादार होते हैं कि जो ऑलरेडी तनख्वाह पे हैं, चलो वो तनख्वाह आपसे लेते होंगे, हमारे लिए तो फिर भी, हमारे तो बच्चे ही हैं और सेवादार ही हैं, ठीक है, माननी बात की थोड़ा सा रह जाता है। और एक बुक कह रहे हैं जी हमने लॉन्च करवानी है, हमने रात पढ़ी थी वो बुक, तो नाम बहुत अच्छे हैं सारे, हमने जब पढ़ लिया तो हमारी तरफ से वो चीज़ हो गई है। और वो बुक है जी, आपको पता, दो पहले हो चुकी हैं, गैस बर्ड्स माई नेम, छोटे बच्चों का जो नाम रखना चाहते हैं, होता है कि गुरुजी रख दें, तो हमने दो बुक निकाली हैं, तीसरी आज लॉन्च करने जा रहे हैं, तो अभी लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको भजन सुनाएंगे, क्योंकि हम सूफी हैं, सूफी जो होता है, रूहानी जो होता है संत, वो अपने आत्मा को जैसे मीराबाई थी, बस इतने समझाओगे आप सारे, अपने आप को उस भगवान की बेटी या यूं कह लीजिए एक पत्नी के रूप में भी मानता है, और परम पिता परमात्मा को अपने पति के रूप में स्वीकार करता, अपने गुरु सतगुरु को इस रूप में। तो कहने का मतलब मीराबाई जी वाली बात, और उस तरह से नहीं जो गंदगी वाला नहीं, एक रूहानी रिश्ता, एक सूफी रिश्ता अपने परम पिता ओम से है हमारा। कहीं आप कल को कुछ और का नाम बना देना भाई, आपसे हाथ जोड़ के बिनती है, एक त्यौहार का दिन है, सच्ची बात को सच्ची लिखना, प्लीज बोलना। सो ये कह रहे हैं हम कि सूफी संत या रूहानी संत होते हैं, उनके लिए ओम हरि अल्लाह राम अपने एक पति की तरह वो मानते हैं। सो ये एक आपको वो तोहफा, आज जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो बुक एक रिलीज कर रहे हैं, आज आपको लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए। जी बहुत लंबे इंतजार के बाद पूजा हजूर पिताजी, बच्चों के नाम पर आधारित बुक गैस वर्ड्स माई नेम का तीसरा जो ग्रंथ वो लॉन्च कर रहे हैं अपने पावन कर कमलों द्वारा। और इस बुक में सभी धर्मों पर आधारित 5000 से अधिक नाम सम्मिलित हैं, और साथ ही इसमें कुछ पेज ऐड किए गए हैं जिसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सभी पहले रिकॉर्ड व फोटोज पेस्ट कर इसे अनुपम सौगात के रूप में संजो कर रख सकते हैं। जोरदार तालियां बजाएं सतगुरु जी के इस पावन प्रोपकार के लिए। दान दान सतगुरु तेरा ही आश्रम। जी तो प्यारे सत्संग जियो, अब आपको वो भजन जो आपको अभी सुना के हटे कि हम सूफी हैं रूहानी हैं, वो उस तरह के भजन हैं वो आपको सुनाएंगे। वो खिलौना इसलिए बंद कर दिया हमने, कहा बेटा थक ना जाना, कि छोटा है ना, बहुत बच्चा है, तो अब आपको वो भजन सुनाने जा रहे हैं। साजी तैयारी कर लें,
शुरुआत में शास्त्र नाम जी हो गया है मेरा, उससे शुरुआत करेंगे, फिर मैशअप है, आप इसके लिए थोड़ी सी ताल बीट आपस में तालमेल कर लें, सारे जो कीबोर्ड वाले हैं और रिदम वाले हैं थोड़ा सा ध्यान से, और इसकी हो सके तो लूप भी चला देना अच्छा सा, उसका बढ़िया होना चाहिए, चेंज करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर एक लूप पे ही बजा देंगे हम, कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे अपने जो धुन है, राम जी की कृपा है, ये उनकी कृपा है, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हजारों धुन बना दी हमने लेकिन याद कैसे आ जाती है सामने, ये वो जानता है, इतनी धुन बनाई हो, और क्योंकि हम म्यूजिक के पांचों काम कर लेते हैं, वो बच्चे बाद में आपको बता देंगे कौन कौन से काम हम करते हैं, वो आपको बता देंगे म्यूजिक के, बाकी काम तो ना ही आप सबको पता ही है बहुत सारा, सो राम जी करवाते हैं, हम कुछ नहीं हैं, तो आप सेटिंग कर लो आपस में माइक वालों से कर लो, साउंड का चक्कर पड़ता है, हमारी आवाज़ पहले तो ये बताओ आपको क्लियर आ रही है जी? नहीं नहीं बेटा साजियों से पूछ रहे हैं, आपको तो आ रही है, वो क्योंकि कल कह रहे थे हमें आवाज़ ही नहीं सुन रही तो बजाएं क्या, बाकी ठीक है बात, उनके वो आवाज़ क्लियर जरूर होनी चाहिए हमेशा जब भी गाते हैं, क्योंकि आवाज़ उनके लिए ज़रूरी है। अब उनका ये सिंग कर दो, अलग अलग साज बजा के देख लो आप अपना कि आपकी आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, सबका रेशो एक जैसा है क्या, बराबर में होना चाहिए, उसका कम कर सकते हो जो हैवी है। थोड़ा सा ये तो पड़ेगा, ये रखेंगे किस पे हम जो गा रहे हैं, ये बुक है तो बाद में हटा देंगे, चलो इसको यहाँ रख लेते हैं, कोई बात नहीं, उठा दो चला लेंगे काम। या फिर कोई स्टैंड ला सकते हो क्या? स्टैंड लंबे वाला, हैंड फ्री हो जाएगा क्या? उधर क्या देख रहा है? स्टैंड तो तेरे पास है बेटा, स्टैंड निकाल के देख उधर रहा, ले ले, हमें थोड़ा आसान हो जाएगा कि बुक हाथ में ले लेंगे। जी जी हमारा ध्यान उधर है बेटा, एक मिनट रुको, ओके, ये कितनी दूर तक काम करता है? यहां तक। अच्छा, मुंह साथ लगाना ही पड़ेगा जी। तो आपको आज एक मैशअप, खुशी का दिन है और खुशी का त्यौहार है, राम जी का आगमन हुआ था और उनकी वो खुशियां हैं, तो हम अपने उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए, शास्त्र नाम शमस्तान के लिए गाते हैं, आप सबके लिए गाते हैं, तो शुरू करते हैं। सब तैयार हैं आप जी? थोड़ा सा मशहूर तो हो ही गया, चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 शोह सत्य नाम जी हो गया है मेरा, प्यार बस गया रग रग में जी तेरा, शोह सत्य नाम जी हो गया है मेरा,
प्यार बस गया रग रग में जी तेरा दोस्तों का खजाना मेरा हो गया दो जहां का खजाना मेरा हो गया जब दाता में मैं खो गया जब राम जी मेरा हो गया रे जब अल्लाह ताला मेरा हो गया देख गया नूर इलाहीनी में देख गया नूर इलाही तुम्हें जी दीवानी हो गई सारी दुनिया से मैं तो बेगानी हो गई दीवान 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 दीवानी रे दीवानी मैं तो दीवानी दीवानी रे दीवानी साईं की मैं दीवानी हे राम की दीवानी मैं तो साईं की दीवानी हे पिया की दीवानी मैं तो साईं की दीवानी राम की दीवानी मैं दौलत की दीवानी गॉड की दीवानी वाहे गुरु की दीवानी हे दीवाने 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 बनाया है दादा ने अपना मुझे तब से पगली हो गए प्यार बागे खाके तेरी तेरा नूर दिल भरा हो गई है बनाया है दादा ने अपनी मुझे तब से पगली हो गए प्यार बागे खाक देरी तेरा नूर दिल भरा हो गई मैं तब से दीवानी हो गई मैं तब से दीवानी हो गई चुप दाता मेरा हो गया जब राम जी मेरा हो गया रे जब अल्लाह ताला मेरा हो गया कसम से मैं कहती हूँ तू इश्क मेरा कसम से मैं कहती हूँ तू जान मेरी कसम से शाहजत नाम जी हो गया है मेरा कसम से मैंने चाहा मोहब्बत को मैंने चाहा मोहब्बत को हे पता चला मोहब्बत को आपसे मोहब्बत है मोहब्बत को आपसे मोहब्बत With you, Tiger Gap, oh my God. With you, Tiger Gap, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. With you, Tiger Gap, oh my God.
शौजुद नमजी हो गया मेरा विद्युत जाएगा कब उम्रिया कसम से कसम से कसम से कसम से मैं गदी हूँ तू जान मेरी कसम से विद्युत जाएगा कब उम्रिया चौसठ दिनों से हो गया मेरा चौसठ दिनों से हो गया मेरा You are the love, Sauda. I am a lucky boy. You are the love charger. With you, shows of the love you have me. Hai ni mera tol mahi Hai ni mera tol mahi Akharai badde dilan de raj karde shawanga Balle shawanga Balle फोटो रखते हैं बुक में लगा के फोटो रखते हैं बुक में लगा के बातें करते हैं नैनों में लागे फोटो रखते हैं बुक में लगा के बातें करते हैं नैनों में लागे एक विष है प्यारी टीचर बन के करा दे तू पढ़ाई के मेरिट 100% आई आए टीचर बन के करा दे तू पढ़ाई के मेरिट 100% आई कोच बन के कर दे तू तैयारी के गोल्ड 100% आई क्लास रूम में पीसी पीसी में फोटो फोटो में मैं और तू क्लास रूम में पीसी पीसी में फोटो फोटो में मैं और तू then everything full but full then game study में full but full then everything full but full Then a game and study me full but a full ara ra 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 ri ra 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 ri ri ra Rodiya Kandiya Rodiya Rodiya खंड दिया रोड़िया पिया नाले आ गया मजा है पिया नाले आ गया मजा जिदो संग चलने आए गुरु सर आए गुरु सर रोड़िया खंड दिया रोड़िया
पुरुषों हो सतनाम जी हो गया मैं विद यू चाय का कप अमरिया विद यू चाय का कप अमरिया कसम से मगर यू इश्क मेरा कसम से मैं कहती हूँ तू जान है मेरी कसम से सतनाम इश्क मेरा मस्तान जान मेरी कसम से शाहजत नाम जो गया मेरा कसम से विद यू चाय का कप मैया मैंने चाहा मोहब्बत को हाय पता चला मोहब्बत तो आपसे मोहब्बत है धारा नूर करे चमचम हाय धारा नूर करे चमचम गणाई थे तो लागो प्यारा गणाई थे तो लागो प्यारा जान सकला सू मान प्यारी जान सकला सू मान प्यारी थे जान सू प्यारा धारा नूर कर चम नोडी ले धारा नूर कर चम चम गणाई थे तो लागो प्यारा गणाई थे तो लागो प्यारा सीने से लगा के सीने से लगा के दुनिया से छुपा के सीने से लगा के सारी दुनिया से छुपा के रामा दिल में मैं बंद कर लूं हाय 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 रामा दिल में मैं बंद कर लूं हे सीने से लगा के शौसती नाम जी हो गया है मेरा प्यार बस गया रग रग में जी तेरा शौसती नाम जी हो गया है मेरा अखां राई बढ़ते दिला दे राज कर दे बल्ले कसम से बल्ले कसम से तू क्यों शक्कर दी चोरी चोरी तू तू क्यों शक्कर दी चोरी रामा क्यों शक्कर दी चोरी साइया क्यों शक्कर दी चोरी क्यों शक्कर दी चोरी रामा क्यों शक्कर दी चोरी तू क्यों शक्कर दी चोरी रामा हाय क्यों शक्कर दी चोरी रामा क्यों शक्कर दी चोरी तू हलवा सूजी दा मेरे छोले पूरी हाय तू हलवा सूजी का मेरे छोले पूरी तू क्यों शक्कर दी चोरी साइया क्यों शक्कर दी चोरी रामा क्यों शक्कर दी चोरी साइया क्यों शक्कर दी चोरी शौसती नाम जी हो गया है मेरा वन भी वारा टू ले जाना थ्री यहाँ स्टडी से सब हो फरी वन भी वारा टू ले जाना थ्री यहाँ स्टडी से सब हो फरी यहाँ लब में कैद हो सभी राम लब में कैद हो सभी लग जाए इश्क हथकड़ी शोहस तो नाम जी हो गया शोहस तो नाम जी हो गया है मेरा मीन जनवरी में ठंड बड़ी पड़े हर धुंध बड़ी पड़े और ओस बड़ी गिरे महीने नवंबर में ठंड बड़ी पड़े
अरे धुंध बड़ी पड़े और ओस बड़ी गे आजा कोल्लू पास बैठ खाए गुड़ रे आजा कोल्लू पास बैठ खाए गुड़ रे खाए मूंगफली 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 खाए चुन सुन रे रामा मूंगफली 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 खाए चुन चुन रे आजा मूंगफली मूंगफली With you, chai ka kap, oh meri raam. With you, chai ka kap, oh meri raam. Chau muskaan ji ho gaya mera. Chau satnaam ji ho gaya hai mera. Pyar bas gaya rag rag mein ji tera. हो प्यार बस गया रग रग में जिदरा तुझे आँख गजाना मेरा गया जब दाता में मैं हो गई जब रामच मेरा हो गया हो राम जी मेरा हो गया और जब अल्लाह ताला मेरा हो गया और जब गॉड जी मेरा हो गया और जब वाहिगुरु मेरा हो गया ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਮਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿਓ ਸਦਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿਓ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਮਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਕੀ ਚਲਿਆ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਆਂ ਹਾਏ ਸੋਨੇ ਕੀ ਚਲਿਆ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਆਂ ਚੱਲ ਸਾਈਆਂ ਚੱਲੀਏ सोने की चलिया खेतों में कलिया चल रामा चलिए के साई मेरा विश्रीति डलिए के रामा मेरा रीति डलिए के साई मेरा विश्रीति डलिए के साई मेरा सोने दी डलिए अंब दा बूर बनया अंबियां हे अंब दा बूर बनया अंबियां ते अंबियां च रस पै गया आ अंब दा बूर बनया अंबियां ते अंबियां च रस पै गया हाय हाय नी मेरा समा कड के मेरा दिल ले गया हाय 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 नी मेरा वाहे गुरु कट मेरा दिल ले गया With you कसम से मगदी हो तू इश्क मेरा कसम से मैं जाऊं मोगे आए पता चला मोहब्बत को आपसे मोहब्बत मोहब्बत तो आपसे मोहब्बत शांस तू नाम दियो हो गया मेरा मैया ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਉੱਡ ਗਈ ਨੀਂਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਰਾਮਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆ ਮਈਆ ਹਾਏ ਸਈਆਂ
ਤਸਾ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈਆ ਸਾਈਆ ਮਾਈਆ ਰਾਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਈਆ ਰਾਮਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਡ ਜੀ ਪਿਆਰੇ Jaws of the Nordi, oh, yeah. Hey, Pyar Bas Gaya, Rang Rang Vedi Dera. Tujh Aanga Gajana Mera Ho Gaya. Jab Tak Tani Mein Ho Gaya. Jab Rahman Mera Ho Gaya. Jab Al Tani Mera Ho Gaya. Jab Rahman Mera Ho Gaya. जब सत्ता मेरा हो गया जब मत्ता मेरा हो गया जब नमक मेरा हो गया जब अल्लाह मेरा हो गया जब रामज मेरा हो गया जी विराजी है विराजी आप लोग सारी सासंगत जो ऑनलाइन बैठ जाएं सब आप भी जी आशीर्वाद सबको बहुत बहुत तो अब आपको प्रसाद दिया जाएगा तो दिवाली के उपलक्ष में जिन भी बच्चों ने आज दीन दुखी मद के लिए अपने अपने जगहों पे बैंकों में या कहीं भी पैसा जमा करवाया अपने एरिया में तो वो बच्चे खड़े हो जाएं आज दीन दुखियों की मदद के लिए भलाई के लिए आज जो लोग अपने बैंकों में पैसा जमा करवा रहे हैं अपने अपनी जगहों पे पैसा तो उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान सबके घरों में खुशियां दे दया में रहमत से नवाजे और बाकी जितनी भी बातें आपको रोज कहते हैं पूरी सत्संगत को उन सब के लिए भी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और लास्ट में फिर से दिवाली बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत बधाई हो और भगवान बेइंतहा खुशियां बख्शे जो भगवान के रास्तों पे चले कोई कमी ना आने दे राम जी सबको आशीर्वाद तो बिराजी आप लोग नारा लगा के बैठ जाएं प्रसाद ले लेना अच्छे अच्छे बैनर भी इधर भी बच्चों ने बनाए हैं ऑनलाइन भी बना रखे हैं सेवादारों ने यहाँ भी बना रखे हैं तो सबको उनको भी आशीर्वाद आपके मंजूर हैं कबूल हैं बेटा सो आशीर्वाद तो आप बस थोड़ा सा समय बिराजी रहिए फिर जैसा आपका क्या लंगर भोजन तो खाना ही है फिर जैसा प्रसाद भी लेना है जी फिर जाने का विचार जा सकते हैं बस थोड़ा समय बैठे रहिए हाँ लाइव हैं तो आपको बता दें आज शाम को दीपावली पे जो भजन आपने टीजर सुना वो पंजाबी में भजन है उसका शाम को हम YouTube के माध्यम से और भी कोई माध्यम होंगे तो आपको ट्वीट उसका कर देंगे जो भी ये सच्चा सौदा डेरे के जो ट्विटर हैंडल से या और भी किसी हैंडल से आपको बता दिया जाएगा टाइमिंग का पर शाम को वो लॉन्च होने जा रहा है सो ये पूरा ध्यान रखिएगा आज हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हम उसे बैठ के कंपोज कर रहे थे मास्टरिंग मिक्सिंग में उनका सहयोग कर रहे थे और यही नहीं बाकी वो बात थी थोड़ा सा बता सकते हैं बच्चे कि वीडियो में भी उनका साथ कर रहे थे और इस सॉन्ग पे वीडियो हमने कितनी देर में लगा दी क्योंकि आम तौर पे होता है कि ये होता है कि गुरु जी तो जी कुछ अवश्य याद ही नहीं रहा होगा तो इन बच्चों से हम चाहेंगे जो भी बता सकता है थोड़ा सा बता देगा कि इनके साथ काम का अनुभव हम अपनी बड़ाई नहीं चाहते बड़ाई तो राम जी की हम तो खाक हैं पहले बोल रहे हैं जितना बड़ाई हमारी करोगे हम उतने ही नीचे आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं हमें कोई परवाह नहीं इन चीज़ों से पर एक ह्यूमन बीइंग ये सोचने पे तो मजबूर होना चाहिए ना कि अगर राम की कृपा हमसे ये करवा सकती है आप अगर भक्ति करें तो आपसे क्यों नहीं करवाएगी हम भी इंसान आप भी इंसान फर्क क्या है कुछ भी तो नहीं हम उसकी भक्ति इबादत करते हैं दिन रात बस आप थोड़ा सा दिन रात दूसरे कामों में ध्यान ज़्यादा देते हैं चलो थोड़ा टाइम निकाल लीजिए 15 मिनट सुबह शाम ज़्यादा नहीं चलते फिरते काम धंधा करते जीबा से करते रहिए क्या जोर लगता है तो इसलिए आपसे गुजारिश तो ध्यान से आराम से सुनिएगा थोड़ी सी बात वो बच्चे बताएंगे आपको इनके साथ काम किया है एडिटिंग करवाई अभी अभी हमने पूरे सॉन्ग की और वो सॉन्ग है 3 मिनट और लगभग 52 सेकेंड क्योंकि अभी थोड़ा सा उसकी मास्टरिंग मिक्सिंग बाकी है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन 3 मिनट 52 सेकंड का वो अभी हम कट करके आपके आने से पहले
हम लेट थोड़ा सा आपकी सेवा में इसलिए हुए, कुछ तो आप लोग आते नहीं हो, दूसरी बात आज हम इस काम पे पूरी तरह से लगे हुए थे, तो हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था, बिल्कुल नहीं, वैसे ही चले गए उठते ही, रात को 3 बजे 4 बजे गए होंगे और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 8 बजे फ्रेश फ्रूश हुए और 8:30 के करीब इनके पास पहुँच के उसी पे लगे हुए थे। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी सबसे पहले तो आप जी ने जो मैशअप गाया उसके लिए बहुत बहुत पिताजी सलाम, पिताजी आप जी को जी। क्योंकि अलग अलग जो मणके थे पिताजी आप जी ने एक ही ग्रूव के अंदर डाल के वो पिरो के एक इतनी सुंदर माला बनाई पिताजी, अमेजिंग पिताजी। क्योंकि इतने साल पहले कंपोज किए पिताजी आप जी ने, वो उसके बाद इतने साल रिपीट भी नहीं हुए, सडनली आप जी ने निकाला और उसको एक एक करके उसको में डाल दिया। सालों हो गए, कम से कम 5 साल 5.5 साल तो मान के चलो ये, और उससे पहले भी शायद काफी पहले गाए हों, कुछ सॉन्ग तो ऐसे भी थे, भजन ऐसे थे जी पिताजी। बहुत ही बढ़िया मैशअप पिताजी आप जी ने सुनाया, यही राम की कृपा है, उन्होंने हम में आके सुनाया, ये उनकी रहमो करम है, दया है। और साथ संगत के लिए एक सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि आज आप अगर शाम के लिए तैयार नहीं रहे, चूक गए, तो एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज म्यूजिक के अंदर पिताजी करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है जो नहीं हुआ पहले, हमारी सोच नहीं है वो, एक एक सोच जो एक एक चीज़ है वो पिताजी की डिज़ाइन की हुई है, अमेजिंग। हम पिताजी आप जी ने सिखाया एक एक चीज़, बट हमारे फिर भी वो चीज़ हम सोच नहीं सकते जो आप जी ने एक सेकंड के अंदर भी ये चीज़ है ये चीज़ डाल दो, उसको डाला तो उसका जो रंग है वो एक बड़ा ही अमेजिंग निकला, जो आज से पहले हमने तो नहीं सुना पिताजी, इसलिए हमारे माइंड में नहीं आता वो पिताजी, वो आप जी करवा सकते हो। मैं अभी उस गाने के बारे में पिताजी वो डिटेल तो नहीं बताएंगे जब तक आप जी वो रिलीज करेंगे, उसके बाद ही वो उसमें इतना मजा आने वाला है। चलो कल को बता देना। हाँ जी, अभी तो छुपा के रखने में फायदा है जी पिताजी। वो सात संगत जो है अगर वो चुके ना, ये है कि शाम के लिए सबसे पहले रेडी रहे, वो जैसे ही गाना आएगा उसके अंदर जो जो पिताजी ने चीजें डाली हैं, एक एक चीज डिजाइन की है, वो मौका चूकना नहीं चाहिए, सब लोग रेडी रहे एकदम से। और जो पिताजी आप जी ने अब बीच में बात है, ये तो राम जी की कृपा हो गई, उन्होंने हमारे अंदर से ये काम ले लिया, वरना इनसे पूछो ये आप कब तक रेडी करते हो उसको, अगर हम ना आते तो। हमारे बस की बात ही नहीं थी पिताजी, हमारी तरफ से तो ये था। नहीं नहीं, फिर भी करते तो कब, 2-4 दिन तो लेते, मे भी एक हफ्ता पिताजी हम तो लेते पिताजी। हाँ जी, एटलीस्ट एक, दीदी कह रहे हैं कि 1 महीना आपने पहले लिया, आज 1 हफ्ता बोल रहे हो, वो पहले वाला गिनते नहीं ना। हाँ जी, ये अब वाला हफ्ता गिन रहे हैं बिटिया। सो हकीकत है ये, क्योंकि कल भी हमने टाइम दिया इनको घंटा, शायद 1.5 घंटा, जिसमें इनका काम करके आए, और आज जो था उसमें वीडियो करना था, तो आप उनसे पूछ लीजिए आज इनका जाके कैसे। ये हमें एक बात बड़ी कहते थे बार बार ये बच्चे को, कि इनको हमने ही एडिटिंग सिखाई है कि एडिट कैसे करना होता है, 1 मिनट में 24 से 25 फ्रेम होते हैं 1 सेकंड में, कौन सा फ्रेम काट के कैसे लगाना है और उस पर कैसे वो जर्क नहीं आनी चाहिए, ब्लैकनेस आ जाती है, अदरवाइज एडिटिंग करना अपने आप में एक पेशा है, लेकिन हम एडिटर भी हैं 100% मानेंगे, राम जी ने कृपा कर रखी है। तो अभी एडिटिंग इनको सिखाई और फिर ये इनकी एक भाषा, मतलब वो कहते हैं ना तकिया कलाम बोलते हैं शायद, पेट वर्ड बोल लो, तो वो था कि हाँ पिताजी हम कर देंगे। हमने कहा बेटा देंगे बड़ा छोड़ दे, भविष्य में तो जाना ही नहीं, वर्तमान में आ जा, अभी कर दे। सो थोड़ी देर बाद ये भूल जाएगा, फिर हम कर देंगे, हमने कहा फिर भविष्य में चला गया, नहीं बेटा फिर से वर्तमान में आ जा। तो हंसते हंसते इन बच्चों से, हाँ जी जी पिताजी, हम सारी रात के लगे हुए थे पिताजी एडिटिंग में, सुबह सोच रहे थे मतलब कैसे पूरा होगा, हम तो ये सोच रहे थे मतलब शाम तक निकल जाए तो गनीमत है, मतलब बहुत ही मुश्किल लग रहा था हमें, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। पर पिताजी जैसे ही आप जी आए, 1.5-2 घंटे में पिताजी सारी एडिटिंग करवा दी कंप्लीट, शॉट खाली था 50% ही हमने लगाए थे सिर्फ अभी, और कई रातों से 50% शॉट लगाए थे जी पिताजी, और आपने पिताजी 1.5-2 घंटे में 10 लाइन कंप्लीट करवा दी, और शॉट भी पिताजी आप जी के रहे में, जो आप जी कह रहे थे 1 मिनट में आ रहा था वो भी आप जी ने प्रसाद दिया पिताजी, तभी वो हो पाया, नहीं तो हमारे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर इनको ये समझ नहीं आती करना क्या, हमने कहा इसका पेस्ट कर, इसको पेस्ट कट कर, अब इसको यहाँ लगा, इसको थोड़ा खींच दे, इसको थोड़ा टाइट कर दे। तो एक चीज पिताजी मैं और कहना चाहूंगा सत्संग के लिए, जो आज सॉन्ग आ रहा है उसमें जो आप जी की वीडियो शॉर्ट्स आएंगे ना, वो सत्संग ने पहले कभी नहीं देखे होंगे, उसके लिए भी तैयार रहे, ऐसे शॉर्ट्स आपने नहीं देखे होंगे, और एक बार देख लिए तो आपकी स्क्रीन से वो हटेंगे नहीं, ये श्योरिटी है पिताजी।
जी। और आज का जो सरप्राइज है पिताजी, जो आप जी ने वो फ्यूजन रेडी करवाया है, वो अभी हमारे लफ्जों में नहीं आ रहा है पिताजी, जैसे ही आप जी करेंगे उसके बाद एक एक चीज निकल के आएगी, वो बहुत बड़ा एक सरप्राइज है साथ संगत के लिए। खास करके जो नॉलेज रखते हैं म्यूजिक का, उनको ज्यादा पता चलता है। जी बेटा, तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज ये आपके सामने खड़ा राम जी का। हम बिल्कुल इंसान हैं, सीधे साधे, एक ट्रैक्टर चलाने वाले घराने से या ऊंट चलाने वाले घराने से किसान के बेटे हैं, और पढ़े लिखे भी, आपको पता है, बताया था कि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जरूर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, उसकी भी वजह थी, सब जानते हैं। सो कारण ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? फिर हम सारी एडिटिंग कर लेते हैं, हम डायरेक्शन कर लेते हैं, मतलब फिल्मों के ज़्यादातर काम जो हुए थे वो हम ही करते थे, और वहाँ बॉम्बे में कहते थे, गुरुजी हमें आपसे बहुत गुस्सा है। मैंने क्यों? कहते रोजगार मार दिया, एक आदमी ही इतने कुछ करे जा रहा है, हमारे को तनख्वाह देते, थोड़ी दे देते, हमें बुला लेते। हमने कहा हमें जुनून है, हम आज भी स्टूडेंट हैं, यहाँ जो भी सज्जन नया आएगा उसके अंदर जो भी गुण होगा, हमसे अगर बातचीत करेगा उसके गुण जरूर ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, हैं और रहना है, सीखते ही रहना है। और जो आप में से ऐसा सोच लेगा, यकीन मानो जिंदगी में एक जगह नहीं रुकेगा, तरक्कियां करता ही चला जाएगा। हर आदमी को स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, जब वो हेड हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए और सीख पाना। तो ये सब सरप्राइज जो है राम जी का किया हुआ है, शास्त्र नाम श्यामस्तान हमारे दादा रहबर का किया हुआ है। हम तो खाकसार हैं, सबके चौकीदार हैं, सेवादार हैं। सो ये जो बातें हमने इसलिए सुनाई, क्या एक इंसान इतना कुछ भी कर सकता है कि वो आते ही, फिर हमने कौन सा बुक देखी थी, सिर्फ ये चेक किया था कि कौन कौन सा निकालना है, और ये नहीं पता था इसकी ताल क्या, क्योंकि इन सबकी तालें अलग हैं, इनकी सुरें अलग हैं, इनका गाने का अंदाज अलग है, सब कुछ। तो कहाँ ये चल रहा था और कहाँ वो भजन इसमें आ गए, तो ये भी एक सरप्राइज उस राम का ही है। हमारा इसमें ये माइक है, कुछ नहीं बोला ना, दूर किया, उसी तरह वो हमसे कभी दूर नहीं होते, माइक तो दूर हो गया, इसलिए जो वो कहते हैं इधर से निकल पड़ता है, हम कुछ नहीं कहते भाई, वो उनका रहमो करम है, कृपा है। सो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर से उन्हें राम जी ओम हरि का, अल्लाह वाहिगुरु का आप सबको आशीर्वाद कहते हैं, और सबको मालिक खुशियां दे। बस थोड़ा समय बैठे रहिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें कुछ मिनटों के लिए, और जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है कि जब आप वापस जाते हैं तो बड़े आराम